नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुपम न्यूज। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। खबर जनपद मिर्जापुर से है। सिटी ब्लॉक के ग्राम जिगनौड़ी के कुछ ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को पत्रक सौंप कर मानक के अनुरूप विद्यालय न बनने पर जांच की मांग उठाई है। ग्रामीणों का आरोप है कि छात्रों से तराई का कार्य भी कराया जा रहा है। उन्होंने बच्चे द्वारा तराई देते हुए का वीडियो भी वायरल कर दिया है। उक्त वीडियो को DM मिर्जापुर देख कर मुख्य विकास अधिकारी को जांच करने का आदेश भी दिया है। आइए सुनते हैं कि ग्रामीणों का क्या कहना है। जिगनौड़ी गाँव में खड़े हैं, यहाँ पर एक सूचना मिली है कि नया विद्यालय बन रहा है, प्राइमरी सरकारी विद्यालय बन रहा है। यहाँ पर एक सज्जन उपस्थित हैं, इन्होंने जिलाधिकारी महोदय को पत्र के माध्यम से जानकारी दिया है। CDO महोदय को मार्क हुआ है और वो जांच का विषय बना हुआ है। इस संदर्भ में AE से और JE से भी बात हुई तो उन्होंने कहा कि अगर कोई दोषी पाया जाएगा तो विद्यालय को जो है फिर से निर्मित किया जाएगा, या पेमेंट नहीं होगा या जो भी कुछ होगा बच्चों के हित में विद्यालय के हित में किया जाएगा। अब देखिए, यहाँ सज्जन उपस्थित है इस गांव में, जिगनौड़ी गांव है, ये बताएंगे यहाँ की समस्या के बारे में, विद्यालय के बारे में। जी, अपना परिचय बताएं। मैं लालमणि पटेल हूँ। जी, यहाँ पर सुनने में आया है कि जो प्राइमरी विद्यालय बन रहा है और मानक के अनुसार बिल्कुल नहीं बन रहा है, इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल सही है, मसाला यहाँ 10-12 का मसाला बन रहा है और ईटा भी नंबर 2 नंबर 3 का लगा हुआ है और न्यू चौतरे के तरफ न्यू खोदा ही नहीं गया है पूरा, और उत्तर साइड में न्यू खोदा गया है, फिर से तोड़वा के बनवाए हैं यही साहब के आदेश पर, लेकिन चबूतरे पे न्यू खोदा ही नहीं गया है पूरा, उसका खुदाई का जांच का विषय है और खुद सामने आ जाएगा कि नीचे बुनियाद भरी गई है कि नहीं। आपने बताया जो है कि यहाँ पर मसाला जो है 12-1 का बना है, आपको कैसे पता चला कि 12-1 का बना है? यहाँ 20 झउआ बालू डाल रहे हैं, एक बोरी सीमेंट डाल रहे हैं, सामने मसाला लगा है, देख लीजिए पूरा बालू दिखाई देगा आपको। जी, और ईंट के बारे में आप कुछ बता रहे थे, ईंट किस प्रकार का है, क्या ईंट नंबर 3 नंबर 2 का है, सामने रखा है ईंट, इसका फोटो ले लीजिए, देख लीजिएगा मालूम हो जाएगा। ईंट कहाँ से आ रहा है ये मालूम है? ईंट गांव के ही भट्टे से आ रहा है, प्रधान जी के यहाँ से। तो आपका क्या कहना है कि विद्यालय मानक के अनुसार नहीं बन रहा है? नहीं। इस बात की सूचना आपने किसको दिया? मैंने CDO मैडम को पहले दिया था, इसके बाद फिर कल जिलाधिकारी मैडम को दिया हूँ और वो मार्क की हैं CDO मैडम को, अब इसका जांच होगा, आप देखिए कब तक आते हैं अधिकारी। जांच के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे, देर हो रहा है या नहीं? देर हो रहा है और इसको तत्काल इसका न्यू खुदाई करके शुरू से इसका निर्माण सही ढंग से कराया जाए, क्योंकि इसमें नन्हे छोटे मोटे बच्चे, प्राइमरी के बच्चे पढ़ेंगे, नहीं भविष्य में विद्यालय बैठ जाएगा तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? या तो ये लिख के BSA और ABSA दें कि बच्चे के साथ अगर कुछ घटना होगी तो उसके जिम्मेदार हम होंगे। सूत्रों से पता चला कि एक बार जांच का विषय बना था और दीवार तोड़ करके जमीन से खोद करके फिर से जो है निर्मित किया गया है, क्या यह बात सच है? हाँ, ये बात सच है, लेकिन एक साइड का, एक कमरे का तोड़ा गया है, एक कमरे का ऐसे ऊपर से ही किया गया है। तो भविष्य में ये मकान गिर सकता है, बैठ सकता है, जब वहाँ चबूतरा बना था और अभी भी चबूतरा मौजूद है और वहाँ पटाव मिट्टी है, जमीन धंसेगी बैठेगी तो विद्यालय बैठ सकता है। कि इन्होंने जिलाधिकारी महोदय को सूचना दिया है, CDO महोदय को बताया है और इसी संदर्भ में देखिए ये भी हैं, एक सज्जन यहाँ गांव के ही हैं। मेरा नाम आनंद सिंह पटेल है। हम लोग दौड़ते दौड़ते अधिकारियों के यहाँ थक गए, SDM साहब जो है इस काम को रुकवा नहीं रहे हैं और ग्राम प्रधान जो है यहाँ के सब मिले हुए हैं, अपने भट्ठे से ईटा देते हैं नंबर 2-3 का, और जहाँ प्राइमरी स्कूल बनना चाहिए वहाँ नहीं बन रहा है और जहाँ नहीं बनना चाहिए वहाँ बन रहा है। ग्राम प्रधान का क्या नाम है? चंद्रशेखर, उनके यहाँ पे लेडी जो है प्रधान है अमृता सिंह, उनके पति का नाम है चंद्रशेखर उर्फ गब्बर। यहाँ पे जैसे नरेगा में सब अपने घर के ही भर रहे हैं, कोई काम नहीं करता, सब फर्जी तरीके से निकाला जा रहा है। यहाँ का पंचायत मित्र है वो अपने भाइयों को भर के पैसा निकालता है, कोई अथुआ नहीं है, कोई मुद्दा उठाता है तो दबंग किसी के हैं ये सब दबा देते हैं, दबंगई से हर जगह पेश आते हैं। अब हम लोग आवाज़ उठाते हैं, एक बार हमारे ऊपर हमला भी हुआ था, जानलेवा हमला, ये सब हमला भी कराए थे हमारे ऊपर जानलेवा मेडिकल कॉलेज के पास में। ये आपको कैसे पता चलाया था? अरे सब ये सब मिले हुए, इन लोग का बहुत बड़ा गिरोह है, कोटेदार है यहाँ का जिगनौड़ी का, वो भी पूरा गिरोह में शामिल है, ये सब मिल के पूरा जानलेवा हमारे ऊपर हमला भी कराए। क्या नाम है कोटेदार का? कोटेदार संदीप हैं, संदीप यादव। यहाँ जो नवनिर्मित विद्यालय हो रहा है इसके घोटाले के बारे में क्या विशेषता है जो आप बता सकें, इसके बारे में जो आपको जानकारी है? यहाँ पे देखिए फील्ड टोटल पंकज पटेल जोते हुए हैं पूरा जमीन में। कहाँ है फील्ड? ये बगल साइड में है, आप ले लीजिए देख लीजिए।
पूरा 3-4 बिस्से का फल्ड है, पूरा देख लीजिए, सब कब्जा किए हुए हैं। और जो है विद्यालय में दुर्गा पूजा के यहाँ चौतरा बना था, उसका भी प्रधान पैसा भजा लिए और जो है कि चौतरा पे ही खोद के फिर बनवा दिए, खोद दिए। अब बताइए दुर्गा पूजा हम लोग का कहाँ से होगा। ये जिगनौड़ी गांव में जो विद्यालय बन रहा है उसके संदर्भ में घोटाले की बात आई है, उसी विद्यालय में हम यहाँ खड़े हुए हैं। और यहाँ पर जिन सज्जन ने जिलाधिकारी महोदय को और CDO महोदय को अवगत कराया है अपने पत्रों के माध्यम से, उनका कहना है कि वो कुछ स्पेसिफिक स्थान बता रहे हैं जहाँ पर कि बुनियाद भी नहीं भरी गई है और केवल वहाँ पर लिंटर उठा करके विद्यालय बनाया जा रहा है। यही स्थान है, इसको पूरा खुदवा के देख लीजिए, यहाँ न्यू भी नहीं डाला गया है और ये चबूतरा था दुर्गा, आप तो सामने देख रहे हैं, ये चबूतरा था और इसके नीचे न्यू भी नहीं खोदी गई है और इसी के ऊपर बनाया, भविष्य में विद्यालय बैठ सकता है। और इसके लिए हम DM साहब को दिए हैं, CDO के दिए हैं कि इसको दिखवा लीजिए और यहाँ न्यू नहीं डाला गया है, यही जगह है। तो मतलब इनका कहना है कि विद्यालय निर्मित हो रहा है, वो इंजीनियर्स क्या बताते हैं कि जहाँ ज़रूरत होता है तो वहाँ बुनियाद डालते हैं, कहाँ ऐसा कौन सा निर्माण है जहाँ बिना बुनियाद के बनता है, तो ये जांची का विषय है। जो कारीगर हैं वो देखिए इनका क्या कहना है। नाम बताइए। पप्पू। कहाँ घर है आपका? पिपरा डाल है। आपके पिताजी का क्या नाम है? लोलारक चौधरी। अच्छा पप्पू जी, ये बताइए कि जो आप ये मकान बना रहे हैं विद्यालय, तो सुनने में आया है कि कहीं विद्यालय में यहाँ जो बन रहा है बुनियाद नहीं भरी गई है, तो कोई ऐसी भी बात है क्या? नहीं, बुनियाद है। नहीं, उधर बुनियाद है, एक तरफ बुनियाद नहीं है। एक तरफ नहीं, पूरी तरफ है बुनियाद। बुनियाद चारों तरफ है। और कहीं बता रहे हैं कि बुनियाद में गिट्टी नहीं डाली गई है जो मानक के अनुसार डाला जाता है? गिट्टी डाला गया है। और कई एक का मसाला चल रहा है 3-1। ये 3-1 का मसाला। हाँ। अभी देखिए सूत्रों से ही पता चला, वो बताया किसी ने 6-1 का, किसी ने बताया 8-1 का, किसी ने बताया 12-1 का, यह सब प्रकरण जांच का विषय है। तो इनका कहना है कि 3-1 के मसाले से जो विद्यालय बनेगा वो देखिए पिलर में कितने एक का मसाला लगा है? 2.5-1 का लगता है। नहीं, कितने एक का डाले हैं? रेशियो का है, जैसे 5 गिट्टी डाल दी है और 6 गिट्टी, 5 बालू, 1 बोरी सीमेंट। आप यहाँ पर जो विद्यालय निर्माण कर रहे हैं वो किस मसाले में किस मानक के साथ कर रहे हैं, क्या डाले हैं, कितना? 2.5 के मानक से हो रहा है। 2.5 के हिसाब से? 2.5 क्या डाले हैं? जोड़िया जो हो रहा है, अरे 2.5, अरे 3 का चल रहा है। तो जहाँ पर ये बता रहे हैं कि गिट्टी नहीं डाली गई है, आपका कहना है कि वहाँ पर गिट्टी डाला गया है? गिट्टी डाला गया है भाई, भरे डाला गया है। कितना बुनियाद वहाँ खोदा गया है? अरे खोदा गया होगा 1.5 फीट, खोदा गया होगा 1.5 फीट के बुनियाद पर कोई मकान बनता है? नहीं, वो भाई जो कहे हैं तो खुदा लोग। भाई कौन कहा था आपको ये? ठेकेदार लोग कह रहे हैं भाई। ठेकेदार का क्या नाम है? अब हम नाम नहीं बता रहे, जानते हैं। अच्छा, तो मतलब जो आपका ठेकेदार था उन्होंने कहा कि 1 फीट खोद दीजिए, 1 फीट के 1 फीट 1.5 फीट खोदा गया है, 2 फीट का तो खोदा गया है। अच्छा, जैसा नुतबा है मिला है मट्टी तैसे खोदा गया है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि 1 फीट 2 फीट पे मकान बनता है, कोई मानक है क्या? तो पिलर है ना? पिलर है, पिलर है। अच्छा, तो मतलब तो 4 फीट से आया है गड्ढा से। अच्छा, पिलर तो वो एक जगह की ना, इधर कहाँ जहाँ की बातचीत, अंदर कितना खोदा गया है ये जाना जा रहा है? अंदर नहीं, बाहर की बात हो रहा है। अंदर की बात पूछी जा रही है? अंदर नहीं खोदा गया है। आप मिस्त्री साहब, आप बात को घुमाइए नहीं, कैमरा आपको देख रहा है। अरे कमरा देखा चाहे जो मैं तो देखा है। मेरे कहने का मतलब है कि आप ये बताने का प्रयास करें कि जहाँ पर अंदर की बात की जा रही है, अंदर कितना खोदा गया है? अंदर हम नहीं बता सकते हैं, अंदर का नहीं खोदा गया है। अंदर बाहर का खोदा गया है। अब बाहर के खुदा से कम हुआ बा,